दूसरा कल जिला इंतजामिया ने मुख्तलिफ आर्डर्स नामे जो है जारी किए हैं, जिसमें यहाँ पर पहले जो ट्रैफिक जाम भी रहता था, दूसरा वो नो पार्किंग। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का खैर मकदम करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक़्त निकाल कर यहाँ पर आके हम मुबारकबाद देते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, जिन्होंने बड़ा सीरियसली लेके ये जो यहाँ पर ट्रैफिक मैस था टाउन में डिकंशन करने के लिए उन्होंने काफ़ी मीटिंग्स की और कल एक ऑर्डर्स पास हुआ जिसका हम वेलकम करते हैं, इसलिए कि उन्होंने जैसे ऑर्डर्स निकाला है वो सबके लिए ठीक है। देखो राहगीर भी हम ही हैं, ट्रांसपोर्टर भी हम ही हैं, तो आप देख रहे हो कि यहाँ जैम होता था, सब कुछ होता था, लेकिन अब अमला ना, ये एक अलग बात है, वो कब अमल में आएगा वो दूसरी बात है। साथ साथ जैसे SSP ट्रैफिक श्रीनगर ने एक मतलब अपने टीम के साथ जो जिस मुस्तहदी से वो काम करते हैं हम उसका अप्रिशिएट करते हैं, और पूरा नॉर्थ कश्मीर जो आज यहाँ पे आप देख रहे हो, जो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की मीटिंग थी हमारी, हम उस SSP को अप्रिशिएट करते हैं कि जो सुबह से शाम तक सिटी श्रीनगर में डिकेंशन ट्रांसपोर्ट जो जैमिंग है उसको निकालने के लिए, वो डिकेंशन करने के लिए उसने एक ऐसे इकदाम उठाए हैं, हम उसके अप्रिशिएशन कर रहे हैं। और साथ साथ जो आप मीडिया में देखते हो कि कोई ड्राइवर उठ के बोलता है कि नहीं जी ये गलत, नहीं गलत नहीं है, क्योंकि वो वही ड्राइवर था जो आवारा चलता है, जो स्टैंड गाड़ियाँ हैं वो उनके अप्रिशिएट करती है उस चीज़ को। और साथ साथ जो मुंसलिक और भी डिपार्टमेंट्स में हैं, देखिए एक SSP साहब तो खुद ही सब कुछ नहीं कर सकता, टाइम लगेगा, लोगों को आदत बनेगी फिर कि कहाँ से कहाँ जाना है। अगर उनको साथ साथ जो मुंसलिक डिपार्टमेंट्स है, म्युनिसिपल काउंसिल है, SRTCs है, अगर वो वहाँ पे ध्यान दें, उनका भी एक रोल बनता है उस चीज़ को दूर करने में, तो वहाँ पे वो कर सकते हैं। साथ साथ हम यहाँ कुपवारा के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बड़े पुरजोर अल्फाजों से मुबारकबाद करते हैं कि उन्होंने ऐसा इकदाम उठाया है, लेकिन अमल करना और अमल करवाना ये उन पर लागू है, वो ये कैसे करें। अच्छा ये बताइए, जिस तरह वो गुजशत नहीं शिफ्ट नहीं है, देखिए क्या है, ये बड़ा ये कंफ्यूजन बना था लोगों में कि बस स्टैंड शिफ्ट हो रहा है, बस स्टैंड शिफ्ट नहीं हो रहा है। उसमें क्या है, अगर मेरे पास एक्सेस गाड़ियां हैं यहाँ पर कुपवारा में, मेरे पास इस वक्त 400 या 500 गाड़ियां सुमो से लेके जो यहाँ बस स्टैंड की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसमें 150 गाड़ियाँ यहाँ रहेंगी, बाकी शिफ्ट पार्किंग के लिए या तो घरों में रखेंगे या फिर रिगीपुरा स्टैंड में रहेंगे। यहाँ पर प्राइवेट पार्किंग होती थी, पूरा बस स्टैंड बंद होता था, उन पर भी लगाम लगाने के लिए ऑर्डर पास हुआ है, ये बहुत अच्छा एकदम है। उसमें बस स्टैंड शिफ्ट नहीं है, उसमें जो हमारी एक्सेस बसें हैं, एक्सेस सुमोज है, एक्सेस और गाड़ियां हैं, उनको शिफ्ट किया गया है रिगीपुरा, तो उसमें कोई ऑर्डर नहीं है। कन्फ्यूजन बना था कि नहीं बस स्टैंड शिफ्ट हो रहा है, बस स्टैंड शिफ्ट नहीं हो रहा, वो आपने ऑर्डर में देखा होगा आप लोगों ने भी, उसमें सिर्फ यही लिखा है कि जो एक्सेस गाड़ियां हैं जिसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक मैस है। बिल्कुल वो तो हमने मीटिंग में उठाया था, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ा मुबारकबाद देते हैं कि जो जो चुंगी थी वो गलत जगह थी, वहाँ पे जामिंग होती, उसको उठा के उन्होंने दूसरी जगह जो हमने प्रपोजल दिया था तो उन्होंने वो बिल्कुल माना और शिफ्ट किया है। उसके लिए साथ साथ आपके माध्यम से एक और बात मैं SSP कुपवारा से अपील करना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो ये बैरिकेड लगाए हैं, क्योंकि आज बर्फ का मौसम है, गाड़ियों में स्लिप है, स्लिपी रोड बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं टक्कर लग सकती है उनको, तो वो जैसे बाकी डिस्ट्रिक्टों में हटाया गया है, तो कम से कम वो बैरिकेड्स को हटाया जाए, तंग ना रखा जाए, जिससे जानी नुकसान का खतरा है, गाड़ी में स्लिप है, रोड स्लिपी है, इस टाइम काफ़ी प्रॉब्लम आ रहे हैं ड्राइवर में, हम उससे आपके माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो भी हमें इस चीज़ से थोड़ा राहत दे। सबसे पहली बात, हम तो किराया ज़्यादा लेते नहीं हैं, जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर या ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से जो हमें रेट मिलती है हम वही चलाते हैं, लेकिन हाँ जो अंडर रजिस्टर्ड स्टैंड है कुछ है जहाँ पे हुआ, हमने आज एक मीटिंग ली थी उनके साथ भी कि ऐसा ना हो, अगर आप अपना रोजगार चला रहे हो लेकिन लोगों को लूटिए मत, जहाँ पर भी ऐसी प्रॉब्लम है वहाँ ARTO साहब हमारा आज एक्शन ले रहा है उनके खिलाफ, और जहाँ भी ऐसा होगा वहाँ एक्शन ले ही लिया जाएगा। एक और बात, कि एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा अच्छा काम किया है, जहाँ तक ट्रांसपोर्ट का मतलब कुछ हिली एरियाज बंद है, अदरवाइज पूरे इनर रूट्स भी खुले हुए हैं, रोडों से बर्फ हटाई गई है, गाड़ी चलने के काबिल हो गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा रूट होगा जो फार फ्लॉन्ग एरियाज में होगा। इंतजामिया ने बर वक्त कार्रवाई की, बिल्कुल बिल्कुल हम अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ के, इस बार जो एडमिनिस्ट्रेशन है बड़ी मुतहरिक है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट या सिविल इंतजाम है, बड़े मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और उस चीज़ का हम अप्रिशिएट कर रहे हैं।
बराबरी जारी थी, लेकिन बहुत ही बड़ी बात है। आप देखिए, मैं आपके माध्यम से लोगों तक भी ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि मुझे बताइए, क्या एसआरटीसी इस बर्फ में चली? नहीं। सर्विस किसने दी? सिविल ट्रांसपोर्ट ने। और मैं लोगों से अपील करता हूँ, जहाँ जहाँ आप उनको सर्विस चाहिए प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के, हम देंगे। साथ साथ कुछ कोताहियाँ हम में भी है कि हमारी वजह से लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन जो हम स्टेप ले रहे हैं, अब जितने भी प्रेसिडेंट साहबान है, उसमें जहाँ जहाँ लोगों को तकलीफ होगी, वो कंसर्न प्रेसिडेंट से करें, उसके खिलाफ, उस ड्राइवर के खिलाफ एक्शन होगा जो लोगों को मिसबिहेव या कुछ ऐसा करेगा जिससे लोगों को कोई नुकसान हो, तो उसके खिलाफ हम सभी प्रेसिडेंट से, साथ साथ हम आज भी डी साहब या एलजी साहब से कह रहे हैं कि आप देखिए बर्फ में काम किसने किया लोगों के लिए। वो एक सिविल ट्रांसपोर्ट था जो बिल्कुल बर्फ में भी चला। एसआरटीसी ने गाड़ियां अपनी चोरी रखी क्योंकि उनको पता कहीं स्लिप नुकसान हो जाएगा, लेकिन हम बर्फ कर चले और इस बर्फानी मौसम में भी हमने अपनी सर्विस चालू रखी। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers coaching for competitive exams LLB, CLAT, AMU, JMI, DU, CU, KU, CA, CS, IMBA, BBA and more. Visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622-888-333, 9469-888-333. ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट 25 साल से बच्चों को कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करते आ रहे हैं। अब 2021-22 सेशन में मुख्तलिफ एग्जाम्स की कोचिंग जैसे 11, 12, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स और एंट्रेंस कोचिंग जैसे नीट एंड जेईई के लिए दाखिले का ऐलान कर रहे हैं। साथ ही इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर एक्सपर्ट्स के द्वारा जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए कंप्यूटर कोर्सेज जैसे बेसिक कंप्यूटर कोर्स, वन ईयर डिप्लोमा, टेली, जीएसटी, शॉर्ट हैंड सिखाया जाता है। स्टूडेंट्स के लिए ऑन स्पॉट मेगा स्कॉलरशिप भी दस्तियाब। देर न करें और अपने बेहतर कल के लिए आज ही एडमिशन लें। हमारा पता है ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट, थर्ड फ्लोर, मट्टू कॉम्प्लेक्स, रेड क्रॉस रोड, नजदीक जेके बैंक ब्रांच, अमीरा कदल, श्रीनगर। मजीद मालूमात के लिए डायल करें 6006752050 और 9797018585।